Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. पूरा एक टीम वर्क है इसमें। हम लोग यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ था, उसका हम लोग उपयोग आज कोविड-19 वॉर रूम के रूप में कर रहे हैं, जिसमें ये इंटीग्रेटेड कोविड-19 का वॉर रूम है, कंट्रोल रूम कहिए उनको, जो उसमें हम लोग 1077 हमारा एक ऐसा नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उसके अलावा हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं। 1077 पर अगर आप कॉल करेंगे तो IVRS सिस्टम के माध्यम से आपको वो डाइवर्ट करेगा 5 विभागों में। एक तो मेन जो आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कोई हैं, पुलिस संबंधित कोई समस्याएं हैं, नगर निगम संबंधित समस्याएं और खाद्य एवं रसद समस्याएं और या अन्य कोई समस्या है। जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं सीधे वो डॉक्टर की हमारी यहाँ टीम बैठी हुई है वो एंटरटेन करती है, उसी तरह संबंधित अधिकारी उनको ट्रेन करते हैं और उनको उसमें वो रिवर्ट बैक भी करते हैं कि वास्तव में उनका समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखिए लॉकडाउन का हम लोग पूरे करीब करीब 150 लोकेशंस में हम लोग सीधे यहीं पर बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं और एक एक लोकेशन का हमारा इंडिविजुअल कंट्रोल भी है। हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहें कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे जो तैनात पुलिस अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो इसको तत्काल दिखवाएं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड स्क्रीन में आप जो देख रहे होंगे इसमें हम लोग अपना जियो लोकेशन के माध्यम से जितने भी क्वारंटाइन किए गए पेशेंट हैं उनका, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनका, शेल्टर होम्स का, क्वारंटाइन सेंटर्स का, सबका जियो लोकेशन के साथ साथ हम लोग उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितने भी हमारे क्वारंटाइन पेशेंट हैं उनका सबका मोबाइल नंबर, उनका सारा डिटेल हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। जो जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग उस एरिया को वहाँ पर मार्क करके उसका हॉटस्पॉट चिन्हित करते हैं, उसके आसपास के पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करने में, तो एक तो हम लोग को एक बहुत स्ट्रेटेजिकली पता चल जा रहा है किस लोकेशन से कहाँ कहाँ हमारे केसेस आ रहे हैं, प्लस ये भी पता चल जा रहा है कौन कौन से, जैसे हमारे जितने भी होम डिलीवरी वाले शॉप्स हैं उस सब का लोकेशन इसमें है। हम लोग ये भी पता चला कौन कौन से एरिया हमारा अभी वीक है जहाँ पे हम लोग अभी और वर्क करना है। तो हम लोग एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से ही एक पूरा सामूहिक रूप से पूरी इसको सुविधा देना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग को बहुत सहूलियत हुई है और पब्लिक को भी बहुत सहूलियत हुई है। सर बात की जाए अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है बनारस में वो कितनी है? वो वर्तमान में जो हमारे एक सबसे पहले आया था वो दो बार ऑलरेडी उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो उसको हम लोग उसको छोड़ते हुए हमारे पास वर्तमान में 4 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं और एक पेशेंट है जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। वो 2 तारीख को BHU अस्पताल में अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के साथ प्रस्तुत हुआ था, उसका सैंपल लिया गया था लेकिन सैंपल का रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी डेथ हो गई है। श्री वो गुप्त जी थे और वो गंगापुर के निवासी थे, वहाँ पर उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री जो मिली है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी नहीं, लेकिन हम लोग और तहकीकात कर रहे हैं उनके एरिया को, उनके परिवार को भी हम लोग ने क्वारंटाइन करके उनका भी सैंपलिंग हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा एक केस जो आया वो श्रीमती खातून का है जो अभी 15 तारीख को वो दिल्ली से लौटी थी, उसके पहले उनका जिद्दा में ट्रैवल हिस्ट्री है और उसका भी हस्बैंड उसके जो है वो नेगेटिव है, लेकिन ये 30 साल की महिला ये पॉजिटिव है, इसको भी आइसोलेशन वार्ड में डालकर इनके भी परिवार का पूरा सैंपलिंग किया गया, उनके एरिया को पूरा तरह से सैनिटाइज किया गया। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे यहाँ अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनारस में आए थे वो 6 थे, जिसमें 1 ठीक हो गया, 1 की डेथ हो गई और 4 वर्तमान में विभिन्न हमारे जो L1 अस्पताल है उसमें भर्ती है। सर कुछ एरियाज को सील भी किया गया है? जी, मैंने कहा कि जहाँ भी कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है उसका जो WHO का मापदंड है उसके हिसाब से हम उस एरिया को पूरा सील करके उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। वार रूम के माध्यम से किस तरह से सुरक्षित है काशी और क्या कुछ अपील रहेगी? वार रूम में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है वो है डेटा को, जो भी जानकारी मिल रही है उसको एनालाइज करके उससे वो महत्वपूर्ण बिंदु निकालना जिस पर प्रशासन एक्ट कर सके। तो पहला उसमें इम्पोर्टेंट भाग है कि IVRS इनेबल्ड जो वॉर रूम सिस्टम है उसमें 4 मुख्य विभाग और 5 हम इसलिए हैं, मसलन पुलिस, हेल्थ, नगर निगम की सेवाएं और इसके अलावा जो खाद्य सप्लाई, खाद्य सामग्री उपलब्धता, ये चारों को IVRS के माध्यम से इनेबल करके हमारे पास 2 नंबर की सुविधा, टोल फ्री 1077 और दूसरा डॉट फोन 250 85 85, इन दोनों ही नंबरों पे वो चल रहा है। इसके अलावा जो नगर निगम का अपना नंबर है 1800 180 55 67 वो भी चालू है, तो इनसे फ़ोन डायरेक्ट जाता है, जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको कंप्यूटर पर फिट किया जाता है और उसको साथ साथ पैरेलली ये भी देखा जाता है कि किस एरिया में
प्रॉब्लम समस्या किसी पर्टिकुलर टाइप की ज़्यादा है जिससे तत्काल उस पर कार्रवाई हो सके, तो वो इंडिविजुअल कंप्लेन थी और इस एरिया की जो उन कंप्लेन के माध्यम से दृष्टिगत हो रही है समस्या उस पर भी हमको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आज तक अगर एक हफ्ते का स्टेटस लें तो 530 में से 521 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, 9 प्रॉब्लम पेंडिंग है जो आज या कल की रही होंगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोगों की जो अन्य जानकारी है शहर की, कितने क्वारंटाइन सेंटर हैं, कितने आइसोलेशन सेंटर हैं, कितने होम क्वारंटाइन हैं, कहाँ कहाँ हम लोग ग्रॉसरी का सप्लाई कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोग सब्जी इत्यादि का सप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये सभी जानकारी हम लोगों ने GIS के माध्यम से गूगल मैप पे प्लॉट कर ली है और रियल टाइम ये डेटा अपलोड फीड अपडेट होता रहता है और ये डेटा जो अपडेट हो रहा है उससे हम लोग कॉल ले पा रहे हैं और इस पर हम लोगों ने कदम भी उठाए हैं। जो एरिया असंतृप्त है किसी भी पर्टिकुलर सर्विस से, चाहे वो साग सब्जी की उपलब्धता हो या फिर किराना सामान की उपलब्धता हो या फिर आटा इत्यादि की उपलब्धता हो, तो उसको हम लोग वहाँ पे इंश्योर करवाते हैं अपनी जोनल टीम और जिला प्रशासन अपने माध्यम से कि वो एरिया संतृप्त हो जाए। इसी प्रकार से डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे भी हम लोग उसी तरह इंश्योर कर रहे हैं जहाँ पे हमारे होम क्वारंटाइन की जो घनत्व है वो ज़्यादा है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए और बाकी हमारे 160 जो 162 कैमरा लगे हैं, 400 जो कैमरा है वो 162 लोकेशन कवर करते हैं, इससे हम लॉकडाउन कैसे इंश्योर हो रहा है इसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लगातार रियल टाइम। तो ये सारा ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर आयुक्त महोदय के जो निर्देश पे ये बनाया गया है और इसी तरह इसकी हम लोग हर दिन प्रतिदिन इसमें जितने भी हम लोगों को एक जिसे हम कहते हैं कि एक्शनेबल पॉइंट्स कि जिन पर कार्रवाई कर सके प्रशासन, वो हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के लेके आ रहे हैं। सर तकरीबन कितनी संख्या है यहाँ कार्यरत जो कर्मचारी हैं? इसमें हम लोग करीब 30 से ऊपर कर्मचारी इस समय डिप्लॉयड हैं जो 24 घंटे यहाँ पे डिप्लॉयड रह के अलग अलग जो समस्याएँ आ रही हैं उनका निस्तारण करवाते हैं और इसके साथ साथ जो एनालिटिक्स का मैंने आपको काम बताया वो एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि इस प्रकार से कि पूरे देश में 3-4 ही इस तरीके की इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर होंगे जहाँ पर सारी ये एनालिटिक्स का यूज़ करके सभी डिपार्टमेंट जो COVID-19 से लड़ने के लिए हम लोगों को जो सशस्त्र होना पड़ेगा और जो हमको अस्त्र शस्त्र चाहिए उससे हम लोग एनेबल हो पा रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट से आवाज जी उसमें जैसे मैंने कहा मिसलेनियस से बाकी और जो समस्याएं हैं जैसे कोई समस्या जो इन 4 कैटेगरी में नहीं आती उनका भी समस्या निस्तारण है। सर आपने चर्चा अभी चलाई कि ऑटोमेटिकली कॉल में आपको बताएगा जो कॉल करेगा कि सार्थक सर्जिकल सेंटर जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।